2020 को कोविड-19 के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय के दीक्षा प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है? तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर पूछ रहा है कि किस मंत्रालय ने, तो ये मंत्रालय का नाम है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और यहाँ पर इस बार इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में क्या कहते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के किस पोर्टल पर जो है केंद्र सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रारंभ किया है। तो वो जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का दीक्षा पोर्टल है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका उद्देश्य क्या है कि महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अग्रिम पंक्ति में तैनात लोगों की क्षमताओं को बढ़ाना। अब ये अग्रिम पंक्ति के लोग कौन कौन से हैं, जैसे डॉक्टर्स, नर्स, जो भी हैं इसमें जो कोरोना जो है वॉरियर्स हैं, जो कोरोना योद्धा हैं, जिनको सरकार कहती है, देख सकते हैं कि चिकित्सकों, नर्सों, अर्धचिकित्सा कर्मियों, तकनीशियनों, ANM, इस तरह के जितने भी, यहाँ तक कि स्वयंसेवी संगठन, इन सब के लिए जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया है दीक्षा पोर्टल के तहत, जो कि जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत कार्य करता है। चलिए अगला देख लेते हैं कि 6 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद अधिनियम 1954 के तहत संसद के सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन में कटौती हेतु संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की है। इस मंजूरी के तहत सभी सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में एक वर्ष तक कितनी कटौती की जाएगी, तो एक वर्ष तक जो है वो 30% की जो है वो कटौती की जाएगी। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो एक सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना थी, उस योजना को जो भी है उस योजना को 2 वर्ष के लिए, कौन सी योजना को, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, इसको क्या कहते हैं, इसको 2 वर्ष के लिए जो है वो स्थगित कर दिया गया है। और ये 2 वर्ष की जो अवधि है वो कब है, ये है 2021 से 2021-22 तक जो है, तो यहाँ तक जो है इस अवधि से जो फंड मिलेगा इसको स्थगित करने से लगभग जो है वो 7900 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी। तो उसका यूज जो है कोरोना कोविड-19 के जो है कम्बैट के खिलाफ, उसे लड़ने के खिलाफ किया जाएगा सरकार के द्वारा। और प्लस जो है सांसद सदस्यों की जो 30% की कटौती की बात कही गई थी, वहाँ पर जो है 8000 करोड़ रुपए की बचत होगी। तो 8000 करोड़ रुपए ये और 7900 करोड़ रुपए ये, इन सबको मिला करके जो है वो कोरोना के खिलाफ जो है लड़ाई में जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना योद्धा हैं, उन सभी को जो है इन्हेंस करने के लिए सरकार ये पहल कर रही है। और अगली न्यूज़ देख लेते हैं मोबाइल आरोग्य सेतु ऐप को लेकर के, जो कि बेहद खास है। यहाँ पर देखते हैं क्या है कि 2 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के दृष्टिगत इसे ट्रैक करने हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी से, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सार्वजनिक निजी भागीदारी से विकसित एक मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु की शुरुआत की है। यह ऐप कितनी भाषाओं में है, तो यह ऐप जो है वो 11 भाषाओं में है, यानी कि आरोग्य सेतु ऐप जो है वो 11 भाषाओं में जो है उपलब्ध है, जो कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के आधार पर काम करता है। और अगला देखते हैं कि 31 मार्च 2020 को किस मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए स्ट्रैंड इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये पर्यटन मंत्रालय है। और इस सवाल को हो सकता हो मिलान करने के लिए यूपी कमीशन में या स्टेट पीएससी में पूछ लिया जाए। तो अगर स्ट्रैंड इन इंडिया पोर्टल का मान लीजिए दे देते हैं मिलान करने के लिए, तो 2 चीज़ें इसका मिलान हो सकता है, एक तो पर्यटन मंत्रालय से मिलान हो सकता है और दूसरा जो है वो कोविड-19 से भी जो है इसका मिलान किया जा सकता है। दोनों महत्वपूर्ण है। 7 अप्रैल 2020 पहला सवाल देखते हैं कि 7 अप्रैल 2020 को किस मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 का मुकाबला करने हेतु T5 योजना की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, जिन्होंने 7 अप्रैल 2020 को कोविड-19 से लड़ने के लिए क्या कहते हैं T5 जो है प्लान तैयार किया है। और इस T5 में है क्या क्या देख लेते हैं। तो T5 योजना में जो है परीक्षण है यानी कि टेस्टिंग है, ट्रेसिंग है, टीम वर्क है, यानी कि टीम वर्क में क्या है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के साथ कार्य करेगी, और ट्रीटमेंट है जिसको उपचार कहते हैं, और ट्रैकिंग है। तो T5 में जो है वो 5T है, जिसमें से कौन कौन से है, टेस्टिंग है, ट्रेसिंग है, और टीम वर्क है, ट्रीटमेंट है, और ट्रैकिंग है। अगली न्यूज हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा को लेकर के है, जो कि कोविड-19 के संक्रमण में काम आ रही है। देखते हैं कि 7 अप्रैल 2020 को भारत सरकार ने
हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा का नाम बहुत ध्यान से याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण दवा है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से आंशिक प्रतिबंध हटाने सहित कितनी दवाओं के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सहित जो है वो 14 दवाएं ऐसी थी जिन पर जो है क्या कहते हैं जिनके निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ था, तो अब उन पर उनको जो है निर्यात की मंजूरी दे दी गई है। और इनमें जो है बहुत सारी दवाएं जैसे विटामिन जो है B1 है, विटामिन B12 है, बहुत सारी दवाएं हैं, उनको यहाँ पर जानने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सारी दवाओं का जो है निर्यात जो है उन देशों के साथ किया जाएगा जहाँ पर जो है जो भारत के साथ में मदद करने के लिए तैयार हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। और अगर आंशिक प्रतिबंध हटाने की बात किया जाए तो आंशिक प्रतिबंध सिर्फ और सिर्फ जो है वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से हटाया गया है। दरअसल हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक मलेरिया एंटी मलेरिया मलेरिया रोधी दवा है, जिसको हम कह सकते हैं कि मलेरिया के उपचार में जो है ये काम आती है। देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक एंटी मलेरिया टेबलेट है जो कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव को कम करने में मददगार है। अगला देख लेते हैं कि 9 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने भारत COVID-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तत्परता पैकेज के लिए कितने करोड़ रुपये की धनराशि देने की घोषणा की है? तो 15,000 करोड़ रुपये की राशि जो है सरकार के द्वारा पैकेज के रूप में देने के लिए घोषणा की गई है। और इस राशि के तहत क्या होगा, जो भी मेडिकल फैसिलिटी है और COVID-19 के ट्रीटमेंट के लिए जो भी उपाय हो सकेगा उन सब में जो है योजनाबद्ध तरीके से जो है इसको खर्चा किया जाएगा। अगला है कि 12 अप्रैल 2020 को किस मंत्रालय ने COVID-19 की विभिन्न चुनौतियों के विभिन्न आयामों को कवर करने हेतु वेब पोर्टल युक्ति का आरम्भ किया है? तो यहाँ पर आपको बता दें कि COVID-19 के दरअसल वो कई जो है स्टेजेज हो गए हैं, इसलिए COVID-19 जो है एक ऐसा जटिल वायरस हो गया है कि वो जो है आसानी से समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए उसके जितने भी डायमेंशन तैयार हो रहे हैं उन सब से निपटने के लिए सरकार के द्वारा जो है एक क्या कहते हैं युक्ति नाम का वेब पोर्टल आरम्भ किया गया है। तो ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वेब पोर्टल युक्ति का जो है वो आरंभ किया। और युक्ति को अंग्रेजी में देखिए क्या कहते हैं, यू क्या लिखा है, YUKTI। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है, यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी इनोवेशन, यानी कि ज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवोन्वेष के साथ COVID-19 से लड़ता हुआ युवा भारत। अगला देखते हैं कि 13 अप्रैल 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार IUSSTF ने COVID-19 की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और अमेरिका के बीच वर्चुअल नेटवर्क बनाने की पहल की है। IUSSTF कब स्थापित हुआ, तो ये स्थापित हुआ है सन 2000 में। और यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि किसके बीच में जो है वो COVID-19 से लड़ने के लिए वर्चुअल नेटवर्क बनाया गया है, तो भारत और अमेरिका के बीच में जो है COVID-19 से लड़ने के लिए एक वर्चुअल नेटवर्क तैयार किया गया है।